नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटो मैकेनिक के एक और वीडियो में। और आज हमारे सामने है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक का स्पेशल एडिशन मॉडल, जो कि हीरो ने इंट्रोड्यूस किया है अपने 25 इयर्स पूरे होने की खुशी में। दोस्तों, इसकी कीज़ कुछ इस तरीके की दिखेंगी। अब आप देख सकते हैं इसका फ्रंट राइट साइड का व्यू। हेडलाइट मास्क पर 25 ईयर स्पेशल एडिशन का स्टिकर लगा हुआ है। यह वेरिएंट i3S एंड IBS के साथ अवेलेबल है। फ्रंट फेंडर पर IBS का स्टिकर दिया गया है, साथ ही IBS के लिए डबल केबल देख सकते हैं आप। फ्रंट साइड में 80x100 का TVS का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। IBS के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अगर कुछ व्यूअर्स नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं, IBS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। और इसमें जब आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होता है, जिससे बैलेंस ब्रेकिंग होती है और बाइक स्किड होने के खतरे कम हो जाते हैं। अदर जो चेंजेस किए गए हैं स्पेशल एडिशन मॉडल में वो आप देख सकते हैं। फ्यूल टैंक पर हीरो की बेजिंग 3D में दी गई है। स्प्लेंडर प्लस में किक और सेल्फ दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही राइट साइड पैनल पर आप देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस का 3D बेजिंग दी गई है, जो कि पहले से अवेलेबल थी, और साथ ही स्पेशल एडिशन की 3D बेजिंग दी गई है। साइलेंसर पर मैट फिनिश के साथ ही क्रोम फिनिश में कवर दिया गया है, जो कि इसके लुक को एनहेंस करता है। सीट काउल पर भी i3S का स्टिकर दिया गया है। रियर साइड में स्विंग आर्म के साथ में 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। रियर टायर TVS का 80x100 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर साइड व्यू की, तो आपको रियर साइड में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड व्यू की, तो लेफ्ट साइड में चेन कवर दिया गया है और साथ ही उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं चेन टाइट करने की रिगार्डिंग। लेफ्ट साइड पैनल पर भी स्प्लेंडर प्लस और 25 ईयर का 3D बेजिंग दी गई है। इंजन को ब्लैक मैट पेंट के साथ में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ में। लेफ्ट साइड में साइड स्टैंड और गियर शिफ्टिंग पेडल देखने को मिलेगा। 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ में अवेलेबल है हीरो स्प्लेंडर प्लस। लेफ्ट साइड में पास इंडिकेटर और हॉर्न के लिए स्विच दिए गए हैं। RVM में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही राइट साइड में i3S और सेल्फ के लिए स्विच दिए गए हैं। साथ ही एक स्पेशल एडिशन में जो नया फीचर ऐड किया गया है वो है मोबाइल चार्जिंग का, जो कि काफ़ी यूज़फुल है आज के टाइम को देखते हुए। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 11 लीटर की है और इसमें लॉक के साथ में एक कैप और दी गई है, जिससे कि मिट्टी फ्यूल टैंक के अंदर ना जाए। अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की, तो हमें यहाँ पर स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज के साथ साइड स्टैंड, साइड इंडिकेटर, i3S, न्यूट्रल और हाई बीम के लिए इंडिकेशन लाइट्स दी गई हैं। स्प्लेंडर प्लस की हेडलाइट के अंदर नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया गया है 35x35 वाट का 12 वोल्टेज में। बात करें बॉडी ग्राफिक्स की, तो ये ब्लैक एलॉय, ब्लैक इंजन और ब्लैक साइलेंसर के साथ में काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं बाइक को। अब बात कर लेते हैं स्प्लेंडर प्लस के इंजन की, तो स्प्लेंडर प्लस में एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन दिया गया है 97 cc का, जो कि पावर जनरेट करता है 8.36 PS का 8000 RPM पर और टॉर्क जनरेट करता है 8.05 Nm का 5000 RPM पर।
दोस्तों, अगर आपको प्राइस या परचेज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो जयपुर हीरो डीलर आरएल मोटर के नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो मोटो मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।